सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट न्यूज को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मुख्यमंत्री केजरीवाल की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के निवास पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी, दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत ने किया। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस प्रदर्शन में जिला उत्तर पूर्वी दिल्ली भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष हितेंद्र त्यागी, अपने साथियों सहित उपाध्यक्ष जगत सिंह, महामंत्री पंकज सिंह, मंत्री चौधरी प्रेम शास्त्री और मीडिया प्रभारी जितेंद्र प्रसाद सहित काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन में भाग लिया। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। चौधरी नारायण सिंह जी, हमारे देहात के दूसरे किसान नेता आदर के योग चौधरी उमेश सिंह जी, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी को कि बड़ी संख्या में आज देहात के लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आज से 10 दिन पहले श्री विनोद सहरावत जी ने मुझे भी और दिल्ली प्रदेश के जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं श्री आदेश गुप्ता जी, हम दोनों के साथ, अरे वो कहते हैं भी आज हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री से झड़प करनी है और हमने अपने हक की लड़ाई लड़नी है, और जैसे यहां से वे चलेंगे और जब आगे जाएंगे तो एक होमगार्ड का या एक सिपाही कांस्टेबल उनको रोक देगा, एक रुको जी आप वहां नहीं जा पाओगे। आदरणीय रामवीर जी अगर पीछे मुड़ के देखेंगे, अगर दिल्ली धाक का मजदूर किसान उनके साथ नहीं है तो आदरणीय रामवीर जी कहेंगे ठीक है भाई साहब हम नहीं जाते, हम वापिस चले जाते हैं। लेकिन आदरणीय रामवीर विधुड़ी जी इस मुख्यमंत्री, झूठे मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं और आगे दिल्ली पुलिस का कमिश्नर और सब कुछ खड़े हैं, और आदरणीय रामवीर विधुड़ी जी पीछे मुड़कर देखते हैं और उनको देखते हैं एक ये दिल्ली धात का मजदूर किसान मेरे पीछे खड़ा है, तो आदरणीय रामवीर विधुड़ी जी ये कहेंगे हटो, ये रामवीर विधुड़ी जी यही से जाएगा और मुख्यमंत्री का गला पकड़कर अपनी बात मनवाएगा। इसमें ये आदरणीय विनोद सहरावत जी, थोड़ा जाए एक मिनट, चौधरी नारायण सिंह जी, हमारे देहात के दूसरे किसान नेता आदर के योग चौधरी उमेश सिंह जी, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी को कि बड़ी संख्या में आज देहात के लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आज से 10 दिन पहले श्री विनोद सहरावत जी ने मुझे भी और दिल्ली प्रदेश के जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं श्री आदेश गुप्ता जी, हम दोनों के साथ, अब मैं नारायण सिंह जी से प्रार्थना करूंगा और भाई आज गाँव तो हुक्का हुक्का लेकर आओगे या इन्हें हुक्का पीना पड़ जाए थोड़ी देर में, एक बार चौधरी नारायण सिंह जी के उनके बाद, चलो मैं ये कह रहा हूँ आदरणीय रामवीर जी कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने किसान नेता है, मैं
हमारे बीच में चौधरी नारायण सिंह जी भी मजदूर किसान नेताएं हैं, वो भी अपनी बात रखें, कहाँ है वो, आपका पेट चले जा रहे हैं, साथ आए हैं, सबका स्वागत करता हूँ भाई दंदर जी का और उनकी टीम का। कई बार क्या होता है, उदाहरण के तौर पर जो हमारे नेता जी ने रामवीर बिदड़ी जी, और वो कहते हैं भी आज हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री से झड़प करनी है और हमने अपने हक की लड़ाई लड़नी है, और जैसे यहाँ से वे चल, और वो कहते हैं भी आज हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री से झड़प करनी है और हमने अपने हक की लड़ाई लड़नी है, और जैसे यहाँ से वे चलेंगे और जब आगे जाएंगे तो एक होम गार्ड का या एक सिपाही कांस्टेबल उनको रोक देगा, रुको जी आप वहां नहीं जा पाओगे। आदरणीय रामवीर जी अगर पीछे मुड़ के देखेंगे, अगर दिल्ली ढाक का मजदूर किसान उनके साथ नहीं है, तो आदरणीय रामवीर जी कहेंगे ठीक है भाई साहब हम नहीं जाते, हम वापिस चले जाते। लेकिन आदरणीय रामवीर बिदड़ी जी इस मुख्यमंत्री झूठे मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, और आगे दिल्ली पुलिस का कमिश्नर और सब कुछ खड़े हैं, और आदरणीय रामवीर बिदड़ी जी पीछे मुड़कर देखते हैं और उनको देखते हैं एक ये दिल्ली धात का मजदूर किसान मेरे पीछे खड़ा है, तो आदरणीय रामवीर बिदड़ी जी ये कहेंगे हटो, ये रामवीर बिदड़ी जी यही से जाएगा और मुख्यमंत्री का गला पकड़कर अपनी बात मनवाएगा, इसमें ये ताकत है। आज किसान मोर्चा ये प्रदर्शन किस वजह से प्रदर्शन हो रहा है? देखिए विनोद जी, आपको ज्ञात होगा कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें केजरीवाल जी पंजाब में कह रहे हैं कि वो 2611 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से यहाँ दिल्ली में किसानों से अनाज खरीद रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे मंडियों में जो है 1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दिल्ली सरकार किसानों का अनाज खरीद रही थी, उसके एवज उसमें हम लोग उसको ये अंधी बैरी गूंगी सरकार जो 6 साल से दिल्ली में किसानों का शोषण करती आ रही है, किसानों की जो हालत बद से बदतर इन लोगों ने कर दी है, उस गूंगी बैरी सरकार को हम जगाने के लिए आज ये यहाँ पे सभी किसान मोर्चे के पदाधिकारीगण सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और इस सोई हुई सरकार को हम इस मुद्दे पे जगाना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने कृषि पे जो बजट दिया है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या बजट, कृषि पे तो कोई बजट उन्होंने ऐसा दिया नहीं, अगर आपकी जानकारी में कुछ ऐसा है कि उन्होंने दिल्ली सरकार ने दिल्ली के किसानों के लिए कुछ योजना उसमें दी है तो आप मुझे बताइए, मुझे तो उसमें कुछ लगा नहीं। तो किसान मोर्चा के तौर पर आप क्या मांग करते हैं? हम सबसे पहली मांग हमारी ये है कि दिल्ली में किसानों को दिल्ली सरकार किसानी का दर्जा दे, हमें जो समस्याएं यहाँ पे दिल्ली में हो रही है अपने खेतों में ट्रायल काटने के लिए बिजली कनेक्शन के लिए, और हमारा जो माल एक छोटी सी दिल्ली के छोटे से एरिया में खेती हो रही है और उस खेती का भी माल जो है सामान किसानों का दिल्ली सरकार MSP पे नहीं खरीद पा रही है।